भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली के वाहन पर अज्ञात लोगों ने ईंटों व सरिये से हमला किया है। पुलिस का कहना है कि ये घटना बृहस्पतिवार देर रात को हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को ये कहा है कि इस घटना में सांसद कोहली को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह अचेत हो गई तथा उन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात को उस समय हुई जब सांसद जिले के वैर इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने जा रही थी। धोरीसाना गांव के पास 4-5 लोग एक वाहन के साथ खड़े थे। उन्होंने सांसद के वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब चालक ने वाहन नहीं रोका तो उन्होंने ईंटों व लोहे के सरियों से हमला कर दिया। इस पूरे मामले में सांसद रंजीता कोहली का भी बयान सामने आया है। इस हमले के बाद सांसद रंजीता कोहली का बयान भी सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुनिए खुद उनकी जुबानी। कल हम लोगों का एक दौरा था, रोबा सुदावन होते हुए हम लोग आरबीएम हॉस्पिटल का भी हमने दौरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के वैर का भी करना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। रात को 11:30 बज रहे हुए और मैं तो थोड़ी आंखें भी लग गई थी मेरी। एकदम से कुछ लोग आए थे गाड़ी, यानी कि मेरे भाई बता रहे थे, और उन्होंने एकदम से मेरी गाड़ी पे हमला किया। और हमला के दौरान गाड़ी को मुड़ा भी लिया था, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी करी और 5-6 जने थे, इस तरीके से मेरे ऊपर हमला किया गया था। कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, 8 बार फ़ोन किया आपने? अब वो मेरे भाई ने किया होगा, वो तो उन्होंने नहीं उठाया। उस टाइम रात्रि 11:30 बज रही थी। क्या लगता है कि या फिर ये अवैध खनन वाले जिन लोगों के साथ एनजीटी में आपने वगैरह की, वो तो नहीं है? नहीं देखो, इलाका अपना अवैध खनन का जरूर है, लेकिन मेरी किसी से रंजिश नहीं है, कभी भी ना मेरी किसी से रंजिश रही ना कुछ। आपको पता है मैं अब साधारण परिवार से भी हूँ, तो ऐसा मैं कह नहीं सकती। अभी 2-3 दिन पहले आपने एक हॉस्पिटल का दौरा किया था, उसमें डॉक्टर ने आंकड़े छिपाने वाली बात बोली, क्या उस वजह से कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वो अलग मैटर है। हम लोगों का काम है कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इन चीज़ों को देखना हमारा अलग मैटर है। ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, इस बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? आपके साथ गार्ड भी थे? यस। पुलिस के, वो भी आपके साथ 24 घंटे रहते हैं? बिल्कुल। उन्होंने उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पे खेल करके और उनको जिस तरीके से हमला कर रहे थे वो उतर रहे थे। मैं बोली भैया आप उतरो मत, गाड़ी में रहो, क्योंकि 5-6 जने। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता कौन लेके आया, क्या अपने भाई थे, गाड़ी में 4 जने थे हम लोग, तो ये नहीं गए। किस पे शक? नहीं, मेरा किसी पे शक नहीं है। तो पुलिस जाँच करेगी, ये अपने पुलिस का जाँच का विषय है। पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी बयान आया है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था, लेकिन अब ये अपराधों की राजधानी हो गया। पिछले दिनों एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा जयपुर में गैंगरेप और फिर भीलवाड़ा में एक तहसीलदार, महिला तहसीलदार के साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग, और उसके बाद कल रात की घटना गंभीर है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कई सवाल राजस्थान के पुलिस प्रशासन और सरकार पर खड़े करती है। जी हाँ, सांसद भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर कल मध्यरात्रि पर जो हमला हुआ, और अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ये सवाल खड़ा होता है कि पिछले कई दिनों से सांसद महोदया क्षेत्र के दौरे पर हैं, उसने सीएचसी की अव्यवस्थाओं को उजागर किया, सरकार की टेस्टिंग बंद होने के मुद्दे को उजागर किया, और कल भी जब सीएचसी के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी तो वापसी में बदमाशों ने ईंट और सरिये से उनकी गाड़ी पर हमला किया, वो अवसाद में है। मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस की पंचलाइन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये ध्येय वाक्य बदल गया। अपराधियों में विश्वास है, उनके हौसले बढ़े और आमजन सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी अब राजस्थान में सुरक्षित नहीं है।
बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।